अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2A। ये जो मैथमेटिक्स बुक 3D3 सेवन्थ एडिशन जो न्यू एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है, और इसका हम करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैं पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो यहाँ पे जो हमारे पास है मतलब कि जो फर्दर फंक्शंस हम यहाँ पे कर रहे हैं, जो फंक्शंस का चैप्टर है मैथमेटिक्स बुक 2 यानी कि D2 में, वो भी मैं करवा चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आप उसको रिवाइज करना चाहते हैं तो पहले उसको देख लीजिएगा और फिर आप जो है इसकी एक्सरसाइज 2A को स्टार्ट करना। तो वैसे फंक्शन बहुत इजी सा टॉपिक है। फंक्शन क्या होता है, अगर कोई भी आप सिंगल इनपुट दे रहे हैं तो उसका आपको सिंगल अगर आउटपुट मिल रही है तो उसका मतलब है कि ये फंक्शन है, और अगर आपके पास सिंगल आप इनपुट है आपके पास और आउटपुट उसकी मल्टीपल आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। तो सिंपल सी चीज़ है ये, जैसे कि मैं यहाँ पे 1 डाल रही हूँ तो मतलब कि इनपुट मेरा क्या है, यहाँ पे एक सिंगल में एक वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रही हूँ ना, तो इसका मेरे पास एक आंसर आ जाएगा, सिंगल एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फंक्शन हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका सोल्यूशन। तो मेरे पास जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मेरे पास है 1/2 x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे हमने करना क्या है, x को किससे रिप्लेस करना है, 1 से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 x इंटू एक्स प्लस 1। हमने क्या करना है, एफ ऑफ 1 फाइंड आउट करना है। तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह हमने 1 लिख देना है, इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1। तो 1/2, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 और 2 कैंसिल आउट, तो यानी कि क्या आ गया मेरे पास, एफ ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एक इनपुट का मेरे पास एक ही आउटपुट आ गया, ये फंक्शन हो गया। अब करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट, इजी से छोटे छोटे से ये पार्ट्स हैं। तो सेकंड मेरे पास इसका पार्ट है एफ ऑफ 2, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1/2, जहाँ जहाँ पे एक्स है उसे रिप्लेस कर दें 2 से। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट, 2 + 1 क्या होता है, 3 होता है। तो यानी कि एफ ऑफ 2 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल, ये इसका आंसर आ गया। छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। अब कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि मेरे पास है जी इसका थर्ड पार्ट, तो उसको कर लेते हैं नेक्स्ट शीट पे। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ थर्ड पार्ट है जी मेरे पास कि एफ ऑफ 3 को फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो यहाँ पे मेरे पास है जी गिवन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 x इंटू एक्स प्लस 1। एक्स को किससे रिप्लेस करना है, 3 से, तो 1/2 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, तो 1/2 इंटू 3, 3 प्लस 1 क्या होता है, 4, 2 × 2 = 4, यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि क्या आ गया, 6। तो एफ ऑफ 3 मेरे पास किसके इक्वल आ गया है, 6 के इक्वल आ गया। सही है जी, तो यहाँ पे हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास है जी इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में यहाँ पे लिख लेती हूँ मेरे पास है एफ इंटू एक्स माइनस 1। इससे अब आपने परेशान नहीं होना कि बीच में वेरिएबल आ गया, कोई मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पहले किया है। तो यहाँ पे मेरे पास गिवन फंक्शन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 x इंटू एक्स प्लस 1। रिप्लेस अब किससे करना है, x माइनस 1 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे x की जगह क्या लिख देंगे, x माइनस 1 और ये वाला प्लस 1 एज इट इज। अब ये और ये कैंसिल आउट मेरे पास, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा था, x है यहाँ पे और ये x माइनस 1, तो x इंटू एक्स माइनस 1। बस इससे आगे इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारे पास आ गया इसका आंसर, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस 1 मेरे पास आ गया 1/2 x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। अब चलते हैं हम इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि मेरे पास है जी इसका फिफ्थ पार्ट। तो यहाँ पे साइड पे ही कर लेते हैं इसको। तो फिफ्थ पार्ट है जी मेरे पास कि एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 4। ठीक है, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम इसका। पहले एफ ऑफ 5 को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर एफ ऑफ 4 को फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर दोनों को माइनस कर लेंगे।
तो मेरे पास गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 x इंटू एक्स प्लस 1, पहले 5 से कर लेते हैं तो x को 5 से रिप्लेस कर लेते हैं, तो 1/2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 1, यानी कि 1/2 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6, तो 2 3 6, तो 5 3 क्या होता है हमारे पास 15, तो एफ ऑफ 5 क्या आ गया मेरे पास 15 आ गया। अब एफ ऑफ 4 माइनस कर फाइंड आउट कर लेते हैं, तो f ऑफ 4 मेरे पास क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह 4 से उसे रिप्लेस कर देंगे, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 4 प्लस 1, तो 2 2 4 होते हैं, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 5, तो मेरे पास क्या हो जाएगा f ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 2 5 10। अब इसको आगे हमने करना क्या था, f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 4 ये हमने फाइंड आउट करना था, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 4 इज इक्वल्स टू, f ऑफ 5 क्या आया था मेरे पास 15 माइनस f ऑफ 4 क्या आया था 10, तो 15 में से 10 गए, पीछे क्या बचता है 5, तो f ऑफ 5 माइनस f ऑफ 4 मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है जी इसका फिफ्थ पार्ट भी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है मेरे पास इसका सिक्स्थ पार्ट, तो इसको यहाँ पे कर लेती हूँ सिक्स्थ पार्ट को, तो सिक्स्थ पार्ट है जी मेरे पास कि एफ ऑफ 7 माइनस एफ ऑफ 6, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास गिवन यहाँ पे फंक्शन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, तो एक्स को किससे पहले रिप्लेस कर लेते हैं 7 से, तो एफ ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 7 प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 7, 7 प्लस 1 क्या होता है 8, 2 4 8, तो 7 इंटू 4 यानी कि 7 4 क्या होता है 28, यानी कि f ऑफ 7 मेरे पास क्या आ गया 28 आ गया। अब क्या फाइंड आउट करना है हमने, f ऑफ 6 फाइंड आउट करना है, तो f ऑफ 6 मेरे पास क्या हो जाएगा कि 1/2 इंटू 6 इंटू 6 प्लस 1, तो 2 3 6 होते हैं, तो 3 इंटू 6 प्लस 1 7, तो 7 3 21, यानी कि f ऑफ 6 मेरे पास क्या आ गया 21 आ गया। फाइंड आउट क्या करना था हमने, फाइंड आउट करना था f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 6, या तो f ऑफ 7 क्या था 28 माइनस f ऑफ 6 क्या है 21, तो 28 में से 21 को माइनस करें तो पीछे मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 7, यानी कि f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 6 मेरे पास किसके इक्वल आ गया 7 के इक्वल, और ये आ गया जी मेरे पास इसका आंसर। तो f ऑफ 7 माइनस, ये माइनस का साइन मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है, तो f ऑफ 7 माइनस f ऑफ 6 मेरे पास किसके इक्वल आ गया, ये मेरे पास इक्वल आया यहाँ पे जो है वो 7 के इक्वल आया। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है इसका सेवन्थ पार्ट, तो सेवन्थ पार्ट जो है वो मेरे पास क्या है यहाँ पे f ऑफ x प्लस 1, ठीक है जी, ये है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास जो गिवन पार्ट है पहले उसको लिख लेते हैं, तो गिवन मेरे पास क्या है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 x इंटू एक्स प्लस 1, अब x को किससे रिप्लेस करना है x प्लस 1 से, तो f इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, और x की जगह क्या लिख देना है x प्लस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा x प्लस 2, यानी कि f ऑफ x प्लस 1 मेरे पास क्या आ गया 1/2 x प्लस 1 और x प्लस 2, ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर, ठीक है जी, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास इसका सेवन्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि मेरे पास है जी इसका एट्थ पार्ट, तो मैं नेक्स्ट शीट पे कर लेती हूँ इसका एट्थ पार्ट, तो एट्थ पार्ट जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, और उसमें हम क्या करेंगे पीछे से जो हम पार्ट्स यूज़ मतलब पहले सॉल्व कर चुके हैं उन्हीं को यूज़ करके, क्योंकि हम तो पहले सॉल्व कर चुके हैं लेकिन अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आपको दोबारा से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है एट्थ पार्ट है इसका,
या मैं आपको दोबारा से करवा देती हूँ, वैसे पीछे सॉल्व हुआ हुआ है कि ना आप कंफ्यूज ही हो जाएं। तो यहाँ पे इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या है, गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स तो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो एफ ऑफ एक्स माइनस 1 हमने वैसे पहले फाइंड आउट किया था, जो कि हमारे पास ये आया था एफ ऑफ एक्स माइनस 1, ये हमने फाइंड आउट किया था ना हमारे पास पार्ट नंबर 4 में। तो वो मेरे पास क्या हुआ था, यहाँ पे लिख देती हूँ सॉल्व इन पार्ट नंबर 4, सॉल्व इन 4th, ठीक है। तो ये तो मैंने इधर लिख दिया, लेकिन जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली इसको सॉल्व किया था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। लेकिन जब आप पेपर में सॉल्व कर रहे होंगे, फिर आपने ये पूरा सॉल्व करना है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 किसके इक्वल था, 1/2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1/2 इंटू एक्स इंटू एक्स माइनस 1। ये पहले सॉल्व किया हुआ था, इस वजह से मैंने कहा दोबारा सॉल्व करने से बेहतर है इसी को लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसके बीच में सब्सटीट्यूट कर देती हूँ वैल्यूज। तो मेरे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स माइनस वन, तो ये किसके इक्वल आएगा मेरे पास, इधर नीचे इनको लिख लेते हैं। तो मेरे पास होगा 1/2 एक्स इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो आप क्या कर लेते हैं, इसकी जो ब्रैकेट्स हैं इसको मैं यहाँ पे जो है वो खोल लेती हूँ, और यहाँ पे हम इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं जहाँ पे जो कटिंग हो रही होती है उसको हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 1/2, और पहले तो इसको एक्स स्क्वायर को कर लेते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास प्लस 1/2 और साथ में ये वाला एक्स, ठीक है। 1/2 एक्स को अंदर मैंने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स, ठीक है। 1/2 एक्स को मैंने अंदर ब्रैकेट के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे माइनस 1/2 एक्स को अंदर ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 1/2 एक्स इंटू 1 क्या होगा, 1/2 एक्स, और 1/2 एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, और साथ में ये वाला 1/2। अब जो कटिंग हो रही है वो कटिंग कर लेते हैं, ये और ये आपस में कैंसिल आउट, पीछे क्या बचा 1/2 एक्स प्लस 1/2 एक्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या यहाँ पे आ गया, 1/2 को अगर मैं बीच में से यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे कॉमन ले लूँ तो 1/2 को तो अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एक्स, यानी कि 1/2 इंटू 2x, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बच गया, x बच गया, यानी कि मेरे पास क्या आ गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1, मेरे पास किसके इक्वल आया है, x के इक्वल आया। तो ये आ गया जी हमारे पास आंसर आ गया, जो पार्ट नंबर 8 था तो उसका मेरे पास यहाँ पे आंसर आ गया, तो x आंसर आया। तो फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब रह गया जी इसका लास्ट पार्ट जो कि मेरे पास है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो उसको कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 9th पार्ट है मेरे पास इसका कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन फंक्शन क्या है, यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो गिवन फंक्शन मेरे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स इंटू एक्स प्लस 1। एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। बस यही इसका आंसर होगा, इसको आगे फर्दर आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरे सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रीडर्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरी बहन का चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।